क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर में आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इस वाले में बाकी चीज़ों में हमें कंप्यूटर पर वर्क करना पड़ेगा, तो हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अबाउट इंटरनेट, यानी इंटरनेट के बारे में हम लोग जो पढ़ते समझते हैं ना, उसमें उसी के बारे में पूरा ये चैप्टर है। तो पढ़ते हैं पहले इंटरनेट में क्या क्या है। कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिसोर्स शेयरिंग, हाई रिलायबिलिटी, कम्युनिकेशन कैन बी अचीव बाय द कनेक्शन दिस कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस डिलीवर सर्विसेज टू इंडिविजुअल लाइक एक्सेस टू रिमोट इन्फॉर्मेशन, पे देयर बिल्स, मैनेज देयर बैंक अकाउंट्स एंड हैंडल देयर इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। यानी कि क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से ही हम सारे कंप्यूटर सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से पहले नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं सारे एक दूसरे से, वायर से या फिर वायरलेस किसी भी चीज़ से, उसके इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। उसी के ड्यूरेशन में हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन में हम अपना काम करते हैं। जैसे हम बिल पेमेंट करना है, आजकल हम घर से ही कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई बैंक में पैसे डालना है या पैसे किसी को भेजना है, सब हम क्या करते हैं, बैठे बैठे मोबाइल से कर देते हैं या फिर कंप्यूटर से कर देते हैं। ठीक है, इतना इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लाइक अ लैन। कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं उसमें कई प्रकार के होते हैं। एक तो लैन, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर या लैपटॉप हमारे सारे ऐसे कनेक्ट होते हैं एक कमरे के अंदर, मान सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक ही जगह पे सब चीज़ होंगी। इसमें प्रिंटर भी कनेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, स्कैनर भी कनेक्ट हो जाएगा उसमें, सारे दो तीन लैपटॉप। जैसे हम लोग देखते हैं ना, आप साइबर कैफे पे जाते हो तो साइबर कैफे पे क्या मिलता है, हमें लोकल एरिया नेटवर्क ही मिलता है, लोकल में है कनेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अदर टाइप ऑफ नेटवर्क इज वैन, द वाइड एरिया नेटवर्क, दिस कवर अ लार्ज एरिया। लैन में क्या होता है, एक कमरा हो सकता है या एक स्कूल हो सकता है, एक लैब हो सकती है। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होगा, बड़े अमाउंट में, जिसमें क्या होता है, हम एक जगह से बैठे बैठे दूसरे जगह के व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वो यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, देखो यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई, एक इंटरनेट दिखाए गए, ऊपर एक कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट में अंतर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को और डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, ठीक है, या बिना वायर के। और इंटरनेट में क्या होता है, जो कनेक्ट आपस में कंप्यूटर है उनमें हमें कोई दूसरी जगह से या सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या डालनी होती है, तब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या यूज़ है, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा नए नए वर्ड्स मिलेंगे। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, सेंडिंग ईमेल, वॉइस मेल, फैक्स, डूइंग रिसर्च और इंटरनेट, चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी ये सब चीज़ें किससे होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में हो सकते हैं। यानी कि हम वॉइस मेल भेजना है एक से ज़्यादा लोगों को या एक पर्सन को, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रहता है वो, तो भेज सकते हैं, फैक्स भेज सकते हैं। ठीक है, टेलीकम्यूटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मेकिंग अ फोन कॉल, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से ही पॉसिबल हो सकती हैं। ट्रांसफरिंग फंड, इंटर ब्रांचिंग ब्रांच, मल्टी थिंकिंग थिंग, मल्टी लिंक, चेकिंग डेबिट कार्ड बैलेंस, यानी कि हम कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि डेबिट कार्ड में हमारा कितना बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, मल्टी लिंक चेक कर सकते हैं उसमें। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये सब काम हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही कर सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन वायरिंग मनी टू अनदर लोकेशन, वेस्टर्न यूनियन वायरिंग मनी मीन्स क्या होता है, हम एक देश में हैं और दूसरे देश में हमें पहुँच गए हम, तो हमें यहाँ का पैसा वहाँ पे भेजने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंटरनेट का, कंप्यूटर नेटवर्क का ही यूज़ करते हैं। शेयरिंग डेटा, डेटा को शेयर करने के लिए, शेयरिंग सॉफ्टवेयर को शेयर करने के लिए, वेरीफाइंग ब्लू क्रॉस कार्ड, ये ब्लू क्रॉस कार्ड जो होता है उसको चेक करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेट। द इंटरनेट ऑल्सो नोन एज द नेट, इसको हम नेट भी बोलते हैं, कहते हैं नेट नहीं आ रहा, इंटरनेट ही शॉर्ट फॉर्म है उसका, इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। टुडे पीपल यूज़ दिस इंटरनेट फॉर एवरीथिंग, फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, टू शॉपिंग, फॉर लर्निंग, टू एंटरटेनमेंट। इंटरनेट कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वन कैन थिंक ऑफ, एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ वन कैन थिंक ऑफ, हेयर वी विल डिस्कस सम ऑफ यूज़ ऑफ इंटरनेट। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और आजकल का हम इंटरटेनमेंट करना हो, शॉपिंग करनी हो, सब काम हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही या इंटरनेट के तरीके से ही करते हैं। जैसे मोबाइल पर बैठे बैठे हमने देखा, फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कर ली, अमेजन पर शॉपिंग कर ली, करते हैं ना ये। तो आजकल की लाइफ जो है हमारी बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है। अब देखो क्या क्या काम होते हैं हमारे इंटरनेट से। इंटरनेट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द पीपल सिटिंग टू रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन से मतलब होता है कोई लोकेशन जो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एक इस प्लेस पर नहीं है। रिमोट लोकेशन में गतिशील लोकेशन है,
आप यहाँ बात कर रहे हैं, बात करते करते आप घर के बाहर निकल गए, आप पता चला किसी दूसरी स्टेट में चले गए, तो वहाँ पे भी आपकी बात हो रही है, तो क्या रिमोट लोकेशन से व्यक्ति से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वन कैन फाइंड वेरियस सोशल नेटवर्क साइट सच एज फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल प्लस, फ्लिकर, ऑर्कुट। ये ऑर्कुट जो लिखा हुआ है इसमें, ये बहुत पुरानी चीज़ है, पहले चलती थी, आज के टाइम पे ऑर्कुट नहीं है, आजकल ट्विटर और फेसबुक ज़्यादा चलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनसे अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट की मदद से हम यहाँ पे बैठे हुए विदेश में भी किसी से भी बात कर सकते हैं, अपने ही देश में दूर दूर के लोगों से बात कर सकते हैं। वन कैन सर्फ ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, और हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को सर्फ मीन्स होता है सर्च करना, सर्फिंग जैसे कहते हैं, उसमें इंटरनेट पर चीज़ों को सर्च करना हमारा सर्फिंग में आता है, कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स सच एज टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे जियोग्राफिकल हो, चाहे हमारी स्टडी से रिलेटेड हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में हो, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें ऑनलाइन मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद अपार्ट फॉर कम्युनिकेशन रिसोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट ऑल्सो सर्व आ मीडियम ऑफ इंटरटेनमेंट, इसके अलावा इंटरनेट हमारा क्या आज के टाइम में इंटरटेनमेंट करने का सबसे अच्छा रीजन, क्यों हम ऑनलाइन ही क्या करते हैं, आपने देखा होगा स्टडी तो करते ही हैं, वीडियो देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं ऑनलाइन, तो सारे काम किससे हो रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही हो, इंटरनेट के यूज़ से ही हो रहे हैं। इंटरनेट तो क्या हुआ, ये हमारा इंटरटेनमेंट का भी एक बहुत अच्छा मीडियम है। इंटरनेट प्रोवाइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट अलाउ टू बिजनेस डील टू कंडक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि इसके अलावा इंटरनेट एक चीज़ नई चीज़ बना चीज़ करता है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स जिसे बोलते हैं, यानी कि आप पूरा बिजनेस, यानी घर पे आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है, आप पैसे भी भेज सकते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग जो बोलते हैं ना, ऑनलाइन चीज़ें मंगवाना, ये सब ई कॉमर्स में आता है। इसमें क्या है, हम पैसे भेज रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, सब चीज़ें हमारे इसी में ही पॉसिबल हो जाती हैं, समझ गए। इस तरह से हम लोग इंटरनेट पर सारे काम कर सकते हैं। आप इंटरनेट कनेक्ट करने की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारी, तो इसमें हम लोग अभी तक इतना ही पढ़ेंगे, इसमें कनेक्शन ऑफ इंटरनेट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, इसको पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।